Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of TYS. So here it is 18th of July 2020, which is Saturday today, and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so first of all we are taking the news only, news section, then we will discuss about the editorial section. Okay, तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू रिज्यूम फॉर यूके, यूएस, यूएई एंड फ्रांस. मैं आपको बता दूं कि अब तक जो कोविड-19 के चलते फ़्लाइट्स रन अप नहीं कर रही थी, टेक ऑफ नहीं कर रही थी, और वो सारी फ़्लाइट्स जो है वो अब रिज्यूम करने जा रहे हैं हम लोग. यूके, यूएस, यूएई और फ्रांस, ये चार ही ऐसी कंट्रीज़ है जिसके साथ में हम अपनी फ़्लाइट सर्विसेज और इंटरनेशनल फ़्लाइट सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे. ओके, government has decided to resume limited international flights. It will be delimited in number and destinations will be included as UK, US, France and UAE only. Okay, in this regard Union Aviation Minister has signed agreements with respect to countries. Okay, एंड डेफिनेटली उनके साथ में ये साइंस किए गए, एग्रीमेंट साइंस किए गए हैं कि इतनी इतनी फ्लाइट्स इस तरीके से रन अप करेगी, और इसके अलावा कोविड-19 के चलते जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको भी हम लोग फॉलो करते हुए इन सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे. ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो अरेंजमेंट किए गए हैं, टर्म्ड एज एयर बबल अरेंजमेंट्स इन लाइन विद द वंदे भारत मिशन. आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन जो कि अभी कोविड-19 के दौर में भी रन अप कर रहा था, इट मीन्स वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को बाहर से लाने के लिए, जो भारतीय जो बाहर रह रहे हैं उन सभी को वापस भारत में लाने के लिए ये मिशन जो है प्रोसीड किया गया था, और इसी के तहत हम लोग नेक्स्ट ये इस सर्विसेज, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सर्विसेज को रिज्यूम करने जा रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट न्यूज इज तालिबान चीफ नूर वाली महसूद इज डेजिग्नेटेड एज द ग्लोबल टेररिस्ट. ग्लोबल लेवल पर टेररिस्ट जो है घोषित कर दिया गया है तालिबान के चीफ नूर वाली महसूद जी को. एंड यूनियन, यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड, ये जो डिसीजन है ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा लिया गया है. तारिक ए तालिबान, तहरीक ए तालिबान जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके अंदर जो है चीफ का ये नूर वाली महसूद जो कि चीफ है तालिबान के, उनका जो है उनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है. मुफ्ती नूर वाली महसूद जी को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है. पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप हेड मुफ्ती नूर वाली महसूद हैज़ बीन financing the planning acts of terror. Basically he was the person who was financing the particular Al-Qaeda and other Tehreek-e-Taliban groups. Masood's name has been added to the ISIL, that is Daesh and Al-Qaeda sanctions list. Jitne bhi Al-Qaeda se sambandhit jo bhi जो हम कह सकते हैं ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो भी एक्टिविटीज़ अलकायदा या ISIL जो कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है महसूद का जो कंट्रीब्यूशन देखा गया है, उसी के साथ में फिनेंसिंग मैटर्स के अंदर भी, इन ग्रुप्स को फिनेंसिंग और प्लानिंग के एक्ट्स के तहत भी चीफ नूर वाली का नाम देखा गया है. सो he is now a global terrorist. This is designated by the United Nations and it is because he had a contribution towards Tehreek-e-Taliban and ISIL and Al-Qaeda. Okay, the next news is asteroid bigger than London Eye moving towards Earth. NASA ka kehna hai ki asteroid jo ki London Eye se bhi bada hai wo jo hai Earth ki taraf move kar raha hai. It is gigantic asteroid which is slated to be bigger than the London Eye. Okay, is moving towards Earth as per the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, जो है NASA के द्वारा information दी गई है कि ये जो asteroids है, gigantic asteroid जो move कर रहा है Earth की तरफ, named as asteroid 2020 ND by NASA. इसको जो नाम दिया गया है NASA द्वारा इस asteroid को, वो है 2020 ND. The asteroid will in next few days come close to Earth. कुछ ही दिनों में Earth के काफ़ी करीब आ जाएगा, और ऐसा expect किया जा रहा है कि जो 24th July है उस दिन ये अर्थ को बिल्कुल क्लोजली जो है क्लोजेस्ट वे से क्लोजेस्ट पास होगा इसका अर्थ के साथ में. द एस्ट्रॉयड इज़ ह्यूज, हजार्डस एंड मेजर्स अबाउट 120 meters. इसका जो एरिया है वो 120 meters है, उसी के साथ में बहुत ही बड़ा और हजार्डस है. अगर ये जो है जिस गति से चल रहा है और जितना हमारा अंदाज़ा है, नासा का अंदाज़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये 24th July को जो है अर्थ के बिल्कुल करीब से गुजरेगा. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पी एम मोदी
to address ECOSOC on 75th anniversary of UN on 17th July. PM Modi जो है वो virtually जो है address करेंगे session को, ECOSOC के session को 17th July को, जो कि कर चुके हैं बेसिकली. एंड हेयर दिस वॉज द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड दिस विल बी द फर्स्ट. ये जो स्पीच थी ये फर्स्ट पीएम मोदी की स्पीच थी यूएन के अंदर. एंड यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो है सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके अंदर उनकी ये पहली स्पीच थी. एंड उन्होंने जो है इस सेशन को एड्रेस किया है. ये सेशन जो है इकोसॉक का था, इट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूएन का, यूएनओ का जो है एक ऑर्गन है. एंड नॉर्वे पीएम एर्ना सोलबर्ग एंड यूएन सेक्रेटरिएट दैट इज जनरल एंटोनियस गुटेरेस विल ऑल्सो बी एड्रेसिंग दी इवेंट. मतलब इन लोगों ने भी, देखिए ये कल की न्यूज़ है इसलिए इसको डिनोट किया गया है, कल मॉर्निंग की न्यूज़ है कि भाई इवनिंग में ये सारी चीज़ें होने वाली है, लेकिन अब हो चुकी है. 17th जुलाई का जो है ये सारा फंक्शन था. 17th जुलाई दैट वॉज हैपन्ड बाय यस्टरडे. ओके, सो ये सारी चीज़ें हुई है और वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम एर्ना सोलबर्ग और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन सेक्रेटरी हैं, इन तीनों ने वहाँ पे एड्रेस किया है, मतलब स्पीच दी है. और ये सारा कार्यक्रम जो है वर्चुअली देखा गया है बिकॉज COVID-19 के चलते, बिकॉज ये सारा जो कार्यक्रम है, इन सारे कार्यक्रम को वर्चुअली जो है सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था इकोसॉक का, और ये 75th एनिवर्सरी के तहत हुआ था. ठीक है, द नेक्स्ट दिस वी आर गोइंग टू टेक द एडिटोरियल्स. ओके, द फर्स्ट एडिटोरियल इज माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन, डेथ रिमेन्स लो बट इंडिया मस्ट फाइट द वायरस नॉट मैनेज द डेटा. हमें डेटा मैनेज नहीं करना है, हमें जो डेथ जो है डेफिनेटली लो है, लेकिन फिर भी इंडिया को वायरस से फाइट करना है, ना कि डेटा मैनेज करना है. ये जो एडिटर हैं इनका ये कहना है कि इंडिया वॉज होपिंग दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन अलोन माइट हेल्प इट विन द बैटल अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, बट द माइक्रोब हैज़ बीन स्प्रेडिंग विथ रिन्यूड विगोर. देखिए जिस तरीके से, जिस जोश के साथ में अब जो माइक्रोब्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, जिस तरीके से COVID-19 जो है कंटिन्यूसली स्प्रेड होता चला जा रहा है, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि केवल लॉकडाउन ही एक जो है ये हमारे पास तरीका है जिससे कि हम इस वायरस को रोक सकते हैं. इसके अलावा so much so that on 16th of July the number of confirmed infections and death crossed grim milestone. अपना limit cross कर चुका है, 1,025,000 रह चुका है. 1 million, it means जो cases सामने आए हैं 16th of July को, वो 1 million रहे हैं. और वहीं पे जो कह सकते हैं कि death cases है वो 25,000 cross कर चुके हैं. तो इस तरीके से 16th July तक हम लोग इतना data already cross कर चुके हैं. और अगर हम बात करें कि 1 लाख केसेस जो है अगले 15 दिन में, 109 दिन के अंदर जो है 1 लाख केसेस बढ़ गए हैं इन जस्ट 15 डेज. सो इट इज़ सच अ वेरी ह्यूज डेटा जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है. अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए केवल लॉकडाउन ही एक अल्टीमेट वे नहीं है, वी हैव टू गो फॉर फर्दर एक्टिविटीज़, फॉर फर्दर वी कैन से फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, जो कि हमें लॉकडाउन के अलावा और सारे वेज के थ्रू इस वायरस को रोकने में और इन डेटास को स्टॉप करने में हेल्प कर सके. ओके, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारी ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्होंने वायरस के स्प्रेड होते देखते हुए, इनिशियली यहाँ से स्प्रेड हुआ था और यहाँ पर अब जो है अपनी पीक पर है इन जगहों पर. और इसके साथ ही यहाँ पे लॉकडाउन्स भी घोषित कर दिए गए हैं. इट हैज़ बिकम अ स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ द कुकी क्रम्बल वैन केसेज स्पाइक्स एंड द सिस्टम इज फुल नॉट फुल्ली गियर्ड फॉर द चैलेंजेस. एग्रेसिव ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग हेल्प्ड चेन्नई रिड्यूस द सर्ज. एग्रेसिवली जो ट्रेस किया, टेस्टिंग की है चेन्नई के अंदर, उससे वहाँ पर रिड्यूस हुए हैं केसेस. बट द कमिंग डेज विल रिवील इफ इट्स 12 डे लॉकडाउन जो घोषित किया गया है चेन्नई के अंदर जून के अंदर, वो कंप्लीट होते ही उसके बाद में जो ग्रेटली कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा चेन्नई का, अगर वहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया, इस लॉकडाउन को ओवर कर दिया गया यहाँ पर, है ना. And while Delhi appears to have hammered down the test positivity rate in recent weeks over reliance
on rapid antigen test, which have low sensitivity, raises concern about true case detection. Maharashtra appears to have pulled off a coup इन धारावी थ्रू आउटस्टैंडिंग वर्क. काफ़ी अच्छा कार्य देखा गया हमें धारावी के अंदर, जिसके तहत केसेस को कंट्रोल में लाया गया. धारावी जैसे एरिया में जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन कंटिन्यूस टेस्टिंग ट्रेसिंग करते हुए जिस तरीके से केसेस को कंट्रोल में लाया गया है, दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल वर्क. लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटका में अभी भी कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. इनके डिस्ट्रिक्ट्स लिटरली जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ केसेस कैरी कर रहे हैं. इंडिया के 9.1% केसेस जो है पॉजिटिव आ रहे हैं. गुजरात भी अपने इस एरिया के अंदर कम नहीं है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं. बहुत अच्छी मात्रा में केसेस यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं. और तेलंगाना में भी काफ़ी 18.4% से कंटिन्यूसली केसेस रेट जो है पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज़ होती चली जा रही है. डेली केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं. और तेलंगाना में तो करीब लास्ट कपल ऑफ डेज़ के अंदर अगर हम बात करें तो 13,000 केसेस को क्रॉस कर चुका है सिर्फ कपल ऑफ डेज़ में, 2 दिन के अंदर, है ना. सो तेलंगाना डिफाइज द ट्रेंड ऑफ राइजिंग केसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, रेजिंग सीरियस कंसर्न अबाउट इट्स नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल सच एज न्यूयॉर्क हैव शोन दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू बेंड द कर्व, बट फॉर दैट स्टेट्स नीड टू फाइट द वायरस. देखिए जैसा कि न्यूयॉर्क ने एक एग्जाम्पल अपना दिया, न्यूयॉर्क में काफ़ी केसेस बढ़ गए थे और इस तरीके से कंट्रोल किया गया कि अब वहाँ पर मिनिमम जो है केसेस देखने को मिल रहा है. तो जिस तरीके से उन्होंने अपने स्पाइक्स पर कंट्रोल किया, ये हमारी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर भी स्टेट्स जो है, लेकिन देखिए कंट्रोल करना जो है गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो इनिशिएट कर सकती है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती है. लेकिन जो कार्यवाही करनी होगी, जो जिस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो सारा जो वर्क प्रोसीजर है वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में. तो स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने लेवल पर ही कंट्रोल करना होगा केसेस को, जैसा कि कई सारे स्टेट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना. सो ये पूरा आर्टिकल इसी पर बेस्ड था, माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन पर बेस्ड था ये. इट मींस वी हैव टू कंट्रोल जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं. हाँ ठीक है, हम पॉलिटिकली या अदर जो फैक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा डाइवर्टेड नज़र आ रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन. लॉकडाउन के बाद जब से लॉकडाउन ओपन हो चुका है, मतलब सारी प्रोसीजर्स ओपन हो चुके हैं, उसके बाद में जो हमारी नॉर्मलसी लाने के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होते हुए नॉर्मल हो गए हैं. लेकिन एक फैक्टर जो ये है कि COVID-19 जो कि अभी पिछले कुछ दिनों काफ़ी जो हम कह सकते हैं काफ़ी उसको लेकर इतना इशू क्रिएट हुआ था कि लॉकडाउन एंड ऑल जो प्रोसीड हो रहे थे वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. COVID-19 और उसके बढ़ते हुए केसेस अभी कम नहीं हुए हैं. इवन कंटिन्यूसली केसेस हाईएस्ट लेवल पे हैं जो जितने अब तक हमने देखे गए हैं ऑलरेडी, है ना. तो इंडिया के लिए अगर इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो ये मैनेज करना काफ़ी टफ पड़ जाएगा, बिकॉज हमारे पास में अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल सर्विसेज पॉसिबल या प्रोवाइडेड नहीं है. तो फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन दिस फील्ड कि हम लोग कैसे भी करके केसेस को एक बार स्टॉप करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम अदर एक्टिविटीज़ को ध्यान दें. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन बियॉन्ड द पेल, दैट इज अशोक गहलोत हैज मैनेज द क्राइसिस बट राजस्थान इज इन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल ड्रामा. देखिए राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामा की बात की गई है यहाँ पे. अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के अंदर देखने को मिल रहे थे, काफ़ी जो है सियासी जंग देखने को मिल रही थी, वो सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ गई है. डेफिनेटली अशोक गहलोत ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो ज़्यादा पॉपुलर है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा उनके पास में जो है पावर है, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो है पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं. बट हेयर वी कैन से कि राजस्थान जो है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है काफ़ी बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है वहाँ पे. और ये अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो ड्रामा सारा क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, जिस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं सचिन पायलट और इन सब के बीच में, जो सियासी जंग देखने को मिल रही है, इंडियन पॉलिटिक्स जो है काफ़ी पेचीदा नज़र आ रही है यहाँ पे, है ना. द स्टेट पुलिस फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट एन अलेक्ट मिडलमैन BJP यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड एन MLA हु हैज़ बीन सिंस सस्पेंडेड फ्रॉम दी कांग्रेस दी राजस्थान. ऐसा देखिए अभी ये सारी पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर देखी जा रही है कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं और उन जो कि BJP के मिनिस्टर हैं जल शक्ति मिशन के, और उसी के साथ में जो सचिन पायलट है उनके बीच में टाइप देखा जाए, ये सारा जो है ये पॉलिटिकल ड्रामा है बेसिकली. अभी रिसेंटली सचिन पायलट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन BJP ऑल्सो. ओके, तो आफ्टर लीविंग आई कैन से कांग्रेस एंड आफ्टर नॉट ज्वाइनिंग द BJP, इट इज़ अ क्लियर थिंग दैट देयर इज़ नॉट एनी
political scenario in Sachin Pilot's mind. And here it is not any issue related all these things, but political drama is a very, you know, traditional thing in our India. एंड स्पेशली इन राजस्थान काफ़ी सालों से चला आ रहा है. तो वो सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई हैं, जो MLAs और MLAs पर बेस्ड जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में. काफ़ी जो है एक दूसरे पे ब्लेम जो है प्रोसीजर भी चले कि जिसके अंदर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी. यूपी एनडीए के बीच में पहली बार जो है काफ़ी लंबे समय के बाद में बीजेपी के सेंटर में आने के बाद काफ़ी देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ही पार्टी में इस तरह जो है इश्यूज क्रिएट होते हुए पहली काफ़ी लंबे समय के बाद पहली बार देखे गए हैं. तो ये सारा जो आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से कैसे डेमोक्रेसी जो है वर्क कर रही है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट वर्क कर रही है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी. इंडिया और ईरान के बीच में जो टाइज हैं उनको कुछ डिप्लोमेटिक वे में ले जाना ज़रूरी है, ऐसा कहना है राकेश सूद जी का. ओके, राकेश सूद इज अ फॉर्मर डिप्लोमैट एंड करेंटली डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडर. ओके, वेरी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन हेयर. रिसेंट रिपोर्ट्स द ईरान अकॉर्डिंग टू हिम रिसेंट रिपोर्ट्स दैट ईरान्स ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मोहम्मद एशान, ओके सॉरी इस्लामी, हैड लॉन्च द ट्रैक लिंक प्रोग्राम फॉर द 628 किलोमीटर्स लॉन्ग रेल लिंक बिटवीन चाबहार एंड जहीदन. देखिए अभी रिसेंटली ईरान और इराक जो इश्यूज चल रहे हैं, ईरान के साथ में काफ़ी हमारे जो है चाबहार वाला जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं कि इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे रोक दिया गया है, इंडिया का जो हेडिंग वर्क है उसे रोक दिया गया है, और उसी के साथ में उसको ओवरकम कर लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने, है ना. तो ये सारा जो पोर्ट प्रोजेक्ट था, ये बेसिकली चबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट, उसे रोक दिया गया है और उसके ऊपर जो है ईरान ने अपनी जो मोनोपोली क्रिएट कर दी है. तो उसको देखते हुए जो हम कह सकते हैं कि, और अच्छा सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर और भी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, लेकिन उससे बायकॉट जो है वो इंडिया को किया गया ईरान द्वारा. तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये शो करता है कि इंडिया के साथ में जो ईरान के रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा जो है मजबूती की ज़रूरत है, उन्हें क्वाइट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, बिकॉज इस तरह के रिलेशन अभी एट प्रेजेंट हमारे ईरान के साथ में नहीं है कि हम उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें और काफ़ी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो. ऐसा सीन अभी हमें देखने को स्पेशली ये जहीदान और चबाहार वाला जो लास्ट वीक जो सीनैरियो देखा गया था उसको देखते हुए इट इज़ नॉट लाइक वी आर गोइंग गुड और आर रिलेशंस आर गोइंग गुड. सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. ओके, क्यों ईरान को चाइना की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है, चाइना भी जो कि इसमें इन्वॉल्व था तो उसकी क्यों ज़रूरत है, उसे क्यों नहीं बॉयकॉट किया गया, या इंडिया को स्टॉप क्यों किया गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, इंडिया को बॉयकॉट क्यों किया गया, और ऐसा क्या सिनेरियो इंटरनेशनली क्रिएट हो रहा है जो कि इंडिया को इन सारी चीज़ों से बॉयकॉट कर रहा है ना. और ऑलरेडी जो चाइना के साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले उसके बाद ही, जस्ट उसके बाद ही जो है चाइना ईरान ने ये स्टेप लिया है. तो ईरान और चाइना के बीच में ऐसे क्या रिलेशनशिप्स हैं जिसके चलते ईरान को चाइना से, इंडिया से ज़्यादा जो है चाइना की रिक्वायरमेंट है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है, इवन हो सकता है कि वायरस का इम्पैक्ट भी देखने को मिला, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है उसके साथ में उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है कंटिन्यू किया है ना. सो समवेयर वी कैन से कि काफ़ी सारा इश्यूज ऑलरेडी हमारे और US के बीच में दिख रहे हैं ईरान के साथ में. तो ये सारे इश्यूज क्यों जो है चल रहे हैं, तेहरान का जो बैलेंसिंग एक्ट है उसे यहाँ पे बताया गया है, उसके साथ ही एडवांटेज क्या है हमें और क्या लेसन सीखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें, और कनेक्टिविटी उसकी अफ़गानिस्तान से क्या है और अफ़गानिस्तान से हमारी क्या कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं. सो ओवरऑल वी कैन से दैट ईरान एंड इंडिया नीड्स अ क्वाइट डिप्लोमैटिक रिलेशन, डिप्लोमैटिक टाइज, बिकॉज द रिलेशनशिप एंड द थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट मच गुड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज और अदर कंट्रीज. ओके, फॉर आवर ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स.
So it is all about it. The next article is based on university exam guidelines that school low. काफी news में UGC के instructions के according final year के exams होने हैं. Announcement of UGC has been done that final year के exam होंगे. Other जो classes हैं उन्हें promote कर दिया जाएगा. लेकिन जो final year के exams हैं उनको conduct किया जाएगा. तो वो काफी जो है काफी news में देखने को मिल रहा है और काफी देखिए ये पूरा article based है इसी issue पर कि university के जो exams की guidelines जारी हुई है उससे जो है बच्चों का स्कोर लो हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है बच्चों का वो इनसिक्योर नज़र आ रहा है, उसे हार्म अप होते हुए नज़र आ रहा है. तो ये पूरा आर्टिकल ये बताता है कि किस तरीके से यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का आदेश दिया गया है फाइनल ईयर के, कैसे बच्चे उसे अपोज कर रहे हैं, कैसे लोग उसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर टुवर्ड्स वायरस और आई कैन से COVID-19 एंड हाउ केसेज आर कंटिन्यूसली स्पाइक अप, इट इज़ अ कंसर्न मैटर फॉर अस ऑल्सो. सो दिस आर्टिकल कंटेन्स ऑल दीज रियालिटीज दैट वॉट इज द ग्राउंड रियालिटी, what are the basic things and what how much impact of virus it is on and what are the basic concepts of the students. Basically UGC has decided ki hum log is guidelines ke तहत exams conduct करवाएंगे और finally के exams होंगे, हम उन्हें promote नहीं कर सकते, हम उन्हें pass out नहीं कर सकते. तो इस condition में COVID-19 के ये जो कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं उस कंडीशन में स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो अपने आप को COVID-19 के चलते सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं और ना ही वो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इस कंडीशन में. तो उसके चलते काफ़ी जो है अपोजिशन देखने को मिल रहा है, काफ़ी जो है अगर रियलिटीज़ की बात की जाए तो वो भी काफ़ी देखने को, अदर कंट्रीज़ का जो इन्वॉल्वेंस भी देखने को मिल रहा है उनका भी जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन के तहत जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डाला गया है. तो ये सारा जो ये जो पूरा जो सिनेरियो है, ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि यूजीसी किस तरीके के डिसीजंस ले रहा है और इवेंचुअली अब उन्हें कैसे डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स किस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग यूजीसी के क्या डिसीजंस होने चाहिए और फाइनली अगर हम ओवरऑल जो है मिडाइवली अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूजीसी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड इवेंचुअली दे हैव टू टेक डिसीजंस बिकॉज एज ऑफ नाउ एज ऑफ इन द टर्म ऑफ टुडे इट द केसेज आर कंटिन्यूसली स्पाइकिंग अप, द केसेज आर कंटिन्यूसली गोइंग अपवर्ड्स, द ग्राफ इज गोइंग अप. टू बैंड अप द केस और आई कैन से कि जो केसेस हैं बच्चों का ये कहना है, इवन काफ़ी लोगों का पेरेंट्स का भी ये कहना है कि ऐसा हमने नहीं सुना कि ये यंगस्टर्स को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है ना. तो ये जो एक मिथ था कि यंगस्टर्स को इफ़ेक्ट नहीं करता है वो भी क्लियर हो रहा है, काफ़ी डेथ्स के अंदर भी काफ़ी केसेस जो है यंगस्टर्स के देखने को मिल रहे हैं. तो उनके चलते वी हैव टू बी अवेयर, यूजीसी हैव टू बी अवेयर, दे हैव टू टेक अ कॉमन डिसीजन, नॉर्मल डिसीजन दैट कैन मेक अ कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर दे कैन ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन. इफ दे विल नॉट बी कंपैटिबल टू गो थ्रू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैन दे कैन गो थ्रू द अदर फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन और दे कैन जस्ट कैंसिल द एग्जामिनेशन एंड गिव अ पासिंग डिग्री टू ऑल दोज एम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंसेज. So here it can be possible to go through. Let's see what will be the next decision of UGC and what will the next decision of government also. And what will be the impact of students or their parents position towards UGC. What will be the next step of UGC and what are the next results of it. So we can just wait for it and just have a look what is going to be the next. Okay. So this was all about today's news analysis. Thanks for watching. Again, we will be here by tomorrow and we will discuss the most important news of today's. So do with me and always we continue towards Achieve IAS. Bye-bye. Take care. Have a great day.